बाकी यार देखो डैल कितनी है यार इस गाड़ी की, कुछ भी हो इतनी ज़्यादा लो है ना, रात में आप इस एरिया के आसपास कहीं पे भी फंसते हो ना तो एक बार यहाँ पे अंकल को कॉल कर लेना। ये जो इंजन की लाइट है ना ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा ब्लिंक कर रही है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से तो हेलो गाइस कितना फिर बढ़िया सारे, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन और वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिलहाल रात से और यहाँ पे हम जो है पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। गाड़ी कौन सी है, गाड़ी आपके सामने ही है यहाँ पे, होंडा सिटी, और ये फिलहाल जा रही है लुधियाना में और यहाँ से इसमें जो है पेट्रोल वगैरह फुल करवा के मस्त लुधियाना लेके जाएंगे और वहाँ से पूरी तैयार करवा के लाएंगे मस्त वाली। और फिलहाल ये भाई हैं यहाँ पे तेल भर रहे हैं, देखते हैं अब कितनी टंकी है इसकी फुल कराने पे, तो वो तो तभी पता चलेगा। वैसे 40-45 के करीब होगी मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि एक बड़ी ज़्यादा पावरफुल सेडान है प्लस हैवी काफ़ी ज़बरदस्त, और एकदम मस्त बारे में सौदा अपने को यहाँ पे मिल गया है और चलाने में भी ओके है। जो थोड़ी बहुत मिसिंग मार दी है वो हम जो है लुधियाना से अब लाएंगे तो तब पूरी यहाँ पे सही हो जाएगी। बाकी यार देखो डैल कितनी है यार इस गाड़ी की, कुछ भी हो इतनी ज़्यादा लो है ना, मतलब हमारे से भी ज़्यादा लो है यार ये, 5 फुट से भी कम हाइट होगी इसकी अगर देखा जाए, या 5 के बराबर ही है। तो ये कुछ है इस गाड़ी की हाइट यहाँ पे, मतलब 5 से भी कम ही है। और अंदर जो बैठने का फील है ना वो तो नेक्स्ट लेवल ही है, आजकल की किसी गाड़ी में नहीं आ सकता वो वाला फील। और पीछे भी इसके आर्मरेस्ट वगैरह प्रॉपर दिया हुआ है पीछे, अब सीन ये है स्पीकर तो लगे हुए हैं बट सिस्टम हमने ले लिया है तो सिस्टम डलवाएंगे बाद में, अभी तो कुछ हो नहीं सकता। और पीछे यहाँ पे शीट वगैरह भी दी है धूप से बचने के लिए, देखते हैं। फुल टॉप मॉडल है वैसे ये, और वीटेक इंजन जो है ये बहुत ही लिमिटेड निकला था, किस्मत अच्छी थी कि ये एक बंदा इधर इसको मिल गया। बाकी जब आगे तैयार होगी फिर आपसे मिलेंगे, और मस्त अपनी सीरीज तगड़ी यहाँ पर चल रही है। रात में सीन ये हुआ है कि गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग आ रही है, क्योंकि हमने जब धुलाई थी तो इंजन में पानी मरवाया था, तो जिसकी वजह से पानी जो है स्पार्क प्लग्स में चला गया है, तो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही है गाड़ी। तो अभी फ़िलहाल पहुँचे थे हम यहाँ पे स्वांखे मोड़ वाली साइड, तो देख रहे हैं कहीं अगर स्पार्क प्लग के पाने का कहीं से जुगाड़ हो जाता है तो लेट्स सी। तो गाइज़ ये देखो गाड़ी तो ले ली है, बट आपको पता ही है जब पुरानी गाड़ी ली हो तो काम तो पड़ ही जाता है, और वही काम यहाँ पे पड़ गया है। जा रहे थे लुधियाने की ओर और रास्ते में अब गलती हमने ये की कि हमने शाम को इसको पानी मरवा दिया, वो भी इंजन पे, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो अब यही नतीजा है, रात को यहाँ पे 10:30 बजे अंकल को स्पेशली फ़ोन करके बुलाया है। अच्छा है अंकल आ गए हैं यार, तो अंकल को बड़ा बड़ा थैंक यू। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या स्कीम हो सकती है यहाँ पे, तो जो भी रहेगा आपको पता चल जाएगा बाकी, बट चलो जब ठीक होती है तो फिर आपको बताते हैं। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल अंकल यहाँ पर जो है निकाल रहे हैं स्पार्क प्लग्स को, बाकी फिर इसे चेक करेंगे कि क्या माहौल है इसका। अभी फ़िलहाल स्पार्क प्लग वगैरह साफ़ करवा दिए हैं, RDY जा रहे हैं यहाँ पे एक टेस्टिंग करने को, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। तो अब फाइनली ये गाड़ी यहाँ पे ठीक हो गई है, अंकल ने एकदम ओके रिपोर्ट कर दी। जो मेन इसमें पंगा आ रहा था मिसिंग का, वो जो इसका फ़िल्टर है एयर वाला, वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, थोड़ा क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा, तो अब वो सही हो गया और एकदम मस्त चलने लायक हो गई है। तो आई होप सो कि आगे ना ही दिक्कत आए तो बढ़िया है, बाकी सही है। अगर रात में आप इस एरिया के आसपास कहीं पे भी फंसते हो ना तो एक बार यहाँ पे अंकल को कॉल कर लेना, यहाँ पे ये शॉप आपको दिख रही होगी, पीछे भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, तो परेशान कर सकते हो थोड़ा सा अंकल को, बट मजबूरी पे ऐसे नहीं, ठीक है। तो थैंक यू अंकल जी, गाड़ी बड़ी समस्या का जेड़ा हल कर लिया, तो चलो फिर चलते हैं आगे। तो गाइज अभी फिलहाल रुके हुए थे खाना खाने के लिए, तो खाना यहाँ पे ख़त्म ही होने वाला है लगभग, तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर ही लेते हैं यार, ऐसे बाद में क्या दिखाना। दाल लेनी है, ये बंदा जो है दाल लेना, दाल खा लेंगे। तो बस लास्ट ही फुल्का है यहाँ पे और चाय आ रही है इसके बाद, तो ये हम रुके हैं गगवाल में। तो गाइज अभी फिलहाल सीन ये है कि गाड़ी को जो है पहले RDY चला रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी मतलब कि 30-40 किलोमीटर तक चलाई, बट गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा मिसिंग मार रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो यार एक बार ड्राइवर चेंज करके देख लेते हैं, क्या पता उससे थोड़ा फर्क पड़ जाए। तो अभी मैं उतना ही 30-40 किलोमीटर जो है चला के लाया हूँ, और गाड़ी मिसिंग कर रही है बट इतना ज़्यादा नहीं, क्या पता ड्राइवर का फ़र्क है या क्या चक्कर है, बट जितने भी मतलब कि RDY को छोड़ के बंदों ने चलाई है ना उनके हाथों में ठीक ही चली है।
तो मैं भी चला रहा हूँ, तो अभी तक सही चल रही है, बीच में मिसिंग कर रही है, बट प्रॉपर वैसी बंद नहीं हो रही जैसी पहले हो रही थी। तो देखते हैं अभी यार, मेन अभी चक्कर है कि इसको जल्दी से जल्दी लुधियाना पहुँचा दें, क्योंकि वहीं पे जाके जो है प्रॉपर फिर इसका सारा काम होगा। तो बस दुआ करो कि पहुँच जाइए, बाकी जब ये वीडियो आएगी तब तक तो पहुँच ही गई होगी शायद, जम्मू भी वापस आ जाए तैयार होके। तो बाकी स्टे ट्यून्ड एंड भाई लाइक कर देना वीडियो को यार, देख लो आपके लिए हम जो है लुधियाना जा रहे हैं प्रॉपर, इसे जो है फुल मॉडिफाई करवाने तगड़ी वाली, तो लाइक करना बनता है। बाकी कमेंट करो कि होंडा सिटी आपको ये कैसी लगी, तो थोड़ी बहुत तो आपको पता पुरानी गाड़ी में काम रहता ही है, तो वो तो करवा ही लेंगे, बाकी सही है। तो चलो फिर आपको मिलते हैं सीधा लुधियाने में या जहाँ पे भी आगे रुकेंगे। ओके, ये जो इंजन की लाइट है ना, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा ब्लिंक कर रही है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से गाड़ी बार बार ऑन ऑफ हो रही है और इतने झटके ले रही है कहने की बात नहीं, बट फिर भी किसी तरह से चला रहे हैं ताकि लुधियाना पहुँच जाए यार। 160 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, तो भाई इसको समझ नहीं आ रहा कैसे पहुँचाएंगे, बट कर रहे हैं ट्राई, और कोई चारा भी नहीं है, वापस जम्मू भी नहीं जा सकते क्योंकि वो भी अब जो है 100 किलोमीटर दूर हो गया है, और यहाँ रात है तो रात में कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो फुल जुगाड़ मेंटल पे ही यहाँ पे जो है चल रहा है ये सिस्टम। पहले सोच रहे थे कि टोचन कर ले, पर टोचन में भी यार फिर स्पीड नहीं उतनी बन पाती है, तो अभी किसी तरह इस पे चला रहे हैं, तो 80 की स्पीड मेंटेन्ड है यहाँ पे, तो पहुँच जाए ताकि जल्दी से जल्दी, बाकी ठीक है। तो जब आप कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो ना, ये थोड़ी बहुत मुसीबतें जो है ये सहन करनी पड़ती हैं, खासकर अगर आप बहुत ही ज़्यादा पुराना कोई मॉडल लेते हो तो। बाकी क्या ही कहें, और यार होता है, चलो थोड़ा बहुत अंधेरा, आई नो आपको कुछ दिख तो रहा नहीं होगा, बट फिर भी आवाज़ें ही सुन लो मेरी। सो गाइस, अभी ना यार एक बहुत ही गंदा वाला सीन हो गया था होंडा सिटी के साथ, कि जैसे ही टोल पे हमने रोकी इस गाड़ी को, तो ये बंद ही होगी और बैटरी इसकी बिल्कुल डेड होगी। तो काफ़ी देर में वेट करता रहा रमन भाई का, क्योंकि वो आगे निकल गए थे, उन्हें लगा कि गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई है, तो अभी बड़ी मुश्किल से धक्का लगा लूँ क्योंकि किसी तरह से इसे स्टार्ट की है और चलने लायक यहाँ पे बनी है। बट लाइट आप देख सकते हो इंजन की कितनी ज़्यादा यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, तो देखते हैं किसी तरीके से पहुँचाना है इसे यार, क्योंकि रात में तो कोई भी नहीं मिलेगा ना मैकेनिक ना कुछ, तो बहुत ही जुगाड़ मेंटल से यहाँ पे चल रही है इस समय ये गाड़ी, तो कोई पता नहीं है। बाकी रमन भाई का यहाँ पे फ़ोन आ रहा है तो उठाते हैं, ठीक है। सो गाइस, इस गाड़ी का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं इसे 100 से ऊपर चला रहा हूँ ना, तो फिर ये गाड़ी मिसिंग बहुत ही ज़्यादा कम मार रही है, पता नहीं क्या सीन है इसका, समझ नहीं आ रहा कुछ। और गाड़ी जो है हाई स्पीड पे इतनी ज़्यादा स्टेबल है यार, क्या ही कहूँ, मतलब कि स्टेयरिंग 130-140 पे भी ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं भाई, इतना मतलब कि इतना ज़्यादा कंट्रोल है इसके स्टेयरिंग में भाई, मस्त एकदम। तो गाइस फाइनली लुधियाना में हमने पहुंचा दिया जहाँ पे ये गाड़ी लगानी थी, और जिस हिसाब से लाया हूँ ना मैं, बस वो सोचने वाली बात है कि कैसे पहुंची है ये गाड़ी। एंड कार बाज़ार वालों को यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, मतलब कहा उन्होंने कुछ और गाड़ी कुछ बाद में निकली, तो बड़ी ही ज़्यादा दिक्कत के बाद इस गाड़ी को हमने किसी तरह लुधियाना पहुँचाया। बहुत मिसिंग थी यार, आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कितनी मिसिंग कर रही थी ये गाड़ी, तो ये आप पूरा देख सकते हो। तो कल से जो है इसका प्रॉपर काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा, फिर जो मस्त बनेगी ना ये, तो ये देखने लायक होगी। तो बाकी आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे में, टिल देन बाय बाय।